कायनात की कहानी में आखिरी सीन कब होगा? अगरची इस हवाले से हर मजहब में कुछ न कुछ रवायात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा से अधूरा सवाल रहा है। कायनात में ऐसे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं जिन्हें सदियों से जवाब नहीं दिया जा सका, और बहुत सारे ऐसे सवाल भी मौजूद हैं जो हमेशा से सीगाए राज में रहे हैं। लेकिन 20वीं सदी इन सब सवालों के लिए तहलका खेज साबित हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहां इंसान को जमीन की गहराइयों में देखने के काबिल बनाया, वहीं कायनात की लामहदूद दूरियों में झांकने के काबिल भी बनाया। और यूं कायनात के राज इंसान की पटारी में एक हलशुदा मसले की जरूरत जमा होने लगे। दोस्तों, क्यामत का इलम भी उन अधूरे सवालों में से एक है जो हर दौर के इंसान में जुस्तजू और खौफ पैदा करता रहा। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी के इंसान ने आखिर क्यामत का करीब तरीन खोज लगा ही लिया। जब हतमी रिपोर्ट सामने आई तो बिल्कुल कुरान मुकद्दस की अमली तस्वीर थी। क्यामत हमसे कितने फासले पर है और इसकी नौइयत कैसी होगी, आइए देखते हैं तहकीक पर मबनी एक साइंसी अर्जियाती रिपोर्ट। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों लंदन के कौमी अखबार इंडिपेंडेंट न्यूज में दुनिया भर में जलजलों की पेशी नजर एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें अर्जियाती जायजा के दौरान बताया गया कि इस वक्त दुनिया भर में 1500 आतिश फशां पहाड़ और जेर समंदर 1600 कवी हैकल आतिशी पहाड़ बिल्कुल एक्टिव हालत में मौजूद हैं। ये वो पहाड़ हैं जो गुज़श्ता 10,000 सालों में जब भी उबले शदीद तबाही का सबब बने। हैरत अंगेज तौर पर ये पहाड़ पिछले 2000 साल से बिल्कुल खामोश हैं। इन पहाड़ों में तबाह कुन मवाद बराबर एक तनासब से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल एक ही वक्त में एक ही लम्हे में उबलने का फटने का इरादा रखते हैं। अर्जियाती माहरीन ने रिपोर्ट के बाद जो तजिया पेश किया वो हैरान कुन हद तक कुरान मुकद्दस की अमली तस्वीर मालूम होता है। तजिया में लिखा है, जेर समंदर और जमीन की बलाई सतह पर पहाड़ी सिलसिले आतिश फशानी के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हादसा इतना बदतरीन होगा की पहाड़ धमाके से उठ जाएंगी। धमाके की आवाज पूरी दुनिया के लिए बासे दहशत होगी। पहाड़ों के फजा में बिखरते ही जमीन अपना तवाज़ुन खो देगी, जिससे शदीद तरीन जलजला रुनमा होगा। जेरे जमीन बहते हुए मेगा तह फाड़ कर बाहर निकल आएंगे, जमीनी तहें तहस नहस हो जाएंगी। जेरे समंदर पहाड़ इस कदर प्रेशर से पटेंगे, पानी सैकड़ों फुट उछलता हुआ जमीन पर छा जाएगा। जेरे समंदर आग से भरे लावे इस कदर ज्यादा आतिशी होंगे कि समंदर का पानी आग पकड़ जाएगा, और इस मंजर के पैदा होते ही जिंदगी चंद मिनट बाद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जदीद फलकियाती रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा फरमाई। नासा की खलाई तहकीकात में कुछ खास शुआएं शामिल हुई हैं। ये वो शुआएं हैं जो एक बुजुर्ग सितारा मरने से पहले खर्च करता है। तहकीक के मुताबिक नासा को मौसूल होने वाली शुआएं किसी दूर दराज के सितारे की नहीं बल्कि हमारे अपने सूरज की है। सूरज चौके सितारा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारा सूरज अब ज्यादा अरसा रोशन नहीं रहेगा क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद मरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस अर्जियाती व फलकियाती रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं क्यामत हमसे कितने फासले पर खेमाजन है। अब हम बात करते हैं उस किताब मुकद्दस की जो उस दौर में नाजिल हुई जब जमीनी हकायक का कोई अंदाजा न था, मगर उस किताब के उतारने वाले ने हर चीज का इल्म नहायत जामिया और मुख्तसर अंदाज में इसमें उतार दिया। जेरे बहस रिपोर्ट को कुरान मुकद्दस के आयनों में देखें तो बिल्कुल वही अक्स उभरता है जिसे साइंस क्यामत कहती है। जी हाँ, कुरान मुकद्दस में रब्बे करीम क्यामत से मुतल्लक अर्शाद फरमाते हैं, हम जानते हैं वो क्यामत जरूर नजदीक आने वाली है जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की मानद हो जाएगा और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। सूरह अल मुआराज आयत नंबर 6-9। जब सूरज तारीख पड़ जाएगा, जब तारे जड़ जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, जब समंदर आग हो जाएगी। सूरह अत-तकवीर आयत नंबर 3-6। और अगली एक और आयत में रब्बे करीम फरमाते हैं, जब जमीन खूब हला दी जाएगी। सूरह अल-नफ्तार आयत नंबर 3। और जब समंदर उबल पड़ेंगे। सूरह जलजाल आयत नंबर 1। दोस्तों, इन आयात की रोशनी में आपने बाखूबी कुर्बे क्यामत को महसूस कर लिया होगा। साइंस ने जो हतमी रिपोर्ट पेश की है उसमें ये भी लिखा है कि मुमकिन है बहुत जल्द ये हादसा पेश आ जाए क्योंकि उन पहाड़ों पर अजीब सी लरजाहट भी महसूस की गई है। उन पहाड़ों पर जो आग के कुएं हैं वो इस कदर गम व गुस्से में खोल रहे हैं कि जैसे अभी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे, ख्वाब ख्याल और मंजर धुआं कर देंगे। एक अजीब सा खौफ उतारी होता है वहाँ जाकर। दोस्तों, साइंसी रिपोर्ट और कुरानी आयात की रोशनी में देखा जाए तो रब के वादों का वक्त आन पहुँचा है। यही वजह है कि कायनात का हर जर्रा रंग बदल रहा है। वादी चट्टाने और पहाड़ों पर अजीब हैबत तारी हो रही है। रात रूह और रोशनी फासले बदल रही है। जुल्म और सितम इंतहा को छू रहा है। ये मेरे रब के वादों के सच होने के वक्त की निशानियां हैं। दोस्तों, अब भी वक्त है कि हम तौबा करें
और मेरे रब के हजूर झुक जाएं, झुक जाएं।